इस्लामाबाद से खबर शामिल करते हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली की बलोचिस्तान से अकलियत नशिस्त का मामला इलेक्शन कमीशन को भेज दिया और हदायत की कि इलेक्शन कमीशन फरकीन को सुनकर कानून के मुताबिक फैसला करे। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में लीग की कौमी असम्बली की बलोचिस्तान से अकलियत नशिस्त के मामले पर समाप्त हुई, जिस दौरान वकील एहसान खोकर ने मौकफ इख्तियार किया कि नून लीग की सूबाई क्यादत ने अशोक कुमार का नाम तरजीही फरहिस्त में दिया। नून लीग के सेंट्रल सेक्रेटरी ने पैट्रिक मसीह का नाम इलेक्शन कमीशन को भेजा। कानून के मुताबिक पार्टी सरबरा की भेजी गई फरहिस्त ही काबिल कबूल होती है। डिजिला इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कानूनी तौर पर फरहिस्त वही काबिल कबूल है जो पार्टी सरबरा भेजे। अदालत ने फरकीन को सुनने के बाद अशोक कुमार और पैट्रिक मसीह का मामला इलेक्शन कमीशन को भेज दिया है और हदायत की है कि इलेक्शन कमीशन फरकीन को सुनकर कानून के मुताबिक फैसला करे।